एक जंगल में एक छोटा सा सांप अपने बिल में रहता था। वो चूहों, बतख आदि छोटे जानवरों को खाता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक ही सीमित था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अब शरीर बड़ा होने के साथ साथ उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता थी। ऐसे में वो एक दिन में बहुत सारे छोटे जानवरों को खा जाता था। वो सांप चिड़ियों को, उनके अंडों को, चूहे, खरगोश, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता और खाने के बाद अपने बिल में घुस जाता और सोता रहता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सांप का शरीर और भी बड़ा होता चला गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में मुश्किल होती थी। कभी कभी तो वो अपने बिल में फंस भी जाया करता था। ऐसे में वो सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगता हुआ वो एक दिन बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां चींटियों ने बहुत ही बड़ा बिल बनाया हुआ था। सांप ने सोचा, ये बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। ये बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसीलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत से जानवर पंछी रहा करते हैं। ये सोचकर वो चींटियों के पास गया और उनसे बोला, आज से मैं इस बिल में रहूंगा, तुम सब यहां से चले जाओ। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो वे गुस्सा हो गईं। और जब ये पेड़ पर रहने वाले पंछी और जानवरों ने सुना कि वो सांप यहाँ रहना चाहता है, तो वो सब डर गए और सब ने सोचा कि कैसे भी करके यहाँ से सांप चला जाए। और जब गुस्से में आई हुई चींटियों ने मिलकर एक साथ सांप पर हमला कर दिया। चींटियों ने सांप के शरीर को पूरा ढक लिया और वे सब सांप को काटने लगी। ऐसे में सांप झटपटाने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड़े से सांप को भगा दिया और फिर सभी ने उनको धन्यवाद बोला और सभी खुशी खुशी रहने लगे।